जैसे कि काफी लोगों को पता है अब कि भारत ने टारगेट सेट किया है कि आने वाले 5 साल के भीतर वो वर्ल्ड में टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्वालिटी पर भी हमारा सबसे बड़ा फोकस रहना चाहिए। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके डार्क साइड को देखें, तो यहाँ पर तो हमारे भारत की ही सबसे बड़ी जायंट जो सुजुकी है, जिसका ऑलमोस्ट भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा का कब्जा है, तो ये तो कुछ अलग ही अपना रिकॉर्ड रचने में लगे हुए हैं। और वो है 0 स्टार वाले रिकॉर्ड को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल हाल ही में यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर भारतीय जो मेड इन इंडिया सुजुकी की कार्स थी, बलेनो और स्विफ्ट, इनको मंगाया गया था टू लैटिन अमेरिका। और आपको बता दें कि जो भी अभी फिलहाल भारत ने मापदंड सेट किए हैं, जैसे कि ड्यूल एयरबैग्स होना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड फीचर्स, ये सभी मापदंड वाले हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इन कार्स को मंगाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इन कार्स ने सेफ्टी के मामले में शर्मनाक परफॉर्मेंस कर दी है विद 0 स्टार। यहाँ पर आप खुद साफ साफ देख सकते हो, मेड इन इंडिया सुजुकी बलेनो स्कोर्स 0 स्टार्स इन लैटिन एंड कैप क्रैश टेस्ट। और ये न केवल ही अपने आप को शर्मनाक बना रही है, बल्कि मेड इन इंडिया जो इतने प्राइड वाला टैग है, इस टैग को भी ये खराब करने में लगे हुए है। यहाँ पर कीचड़ उछाला जा रहा है और इससे ऑफकोर्स यहाँ पर भारतीय इंडस्ट्री का भी नाम खराब हो रहा है। और हाल ही में जस्ट इसी वीक दौरान कुछ यहाँ पर इन लोग को रेटिंग भी दी गई है, बलेनो 0 स्टार एंड ऑल्सो स्विफ्ट विद 0 स्टार। इसके पहले आपको याद होगा जो इन्होंने कार लॉन्च की थी भारत के भीतर, एस्प्रेसो, जो कि काफी स्मॉल कॉम्पैक्ट कार बताई जा रही थी, तो इसने भी 0 स्टार स्कोर किए थे। 2018 में स्विफ्ट जो मॉडल था उसने एटलीस्ट 2 स्टार तो लाए थे, लेकिन अभी तो ये 0 स्टार के रिकॉर्ड को फिर से मेंटेन करते जा रहे हैं। बट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पर काफी पुअर एडवर्टाइजमेंट हो रही है हमारे कंट्री की मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। और वहीं अगर हम बाकी के मार्केट्स में देखें, जैसे कि यूरोप मार्केट में जो बलेनो को ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पर तो इनके 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड ही है, उसके अलावा ESC ये भी स्टैंडर्ड रखा गया है। यहाँ पर सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के तहत सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, बट इंडिया के मार्केट में दिस इज कम्प्लीटली इनटॉलरेबल। सो ये तो बात हो गई सुजुकी की, लेकिन अगर दूसरी भारतीय कंपनीज की बात करें, जैसे टाटा महिंद्रा, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सेफ्टी के मामले में, ये काफी ज्यादा फोकस्ड है अब 5 स्टार रेटिंग के, ये अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, न ही सुजुकी की तरह जो 0 स्टार के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। और अगर ये हालात को जल्द से जल्द सुधारा नहीं जा सका, तो डेफिनेटली 2030 तक भारत का भी जो टारगेट है कि 0 एक्सीडेंट्स हमें करना है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ऐसे टारगेट को अचीव करना एक काफी बड़ी समस्या आ सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।